प्लस जाल बराबर क्या हो जाएगा कंचा। फिर हमारे ये उज्ज्वल, ये उज्ज्वल आप कहीं ऐसे करके देख सकते हैं, उज्ज्वल ये जो उज्ज्वल है ना ये कतई गलत है, फर्जी है। ओरिजिनल जो उज्ज्वल है कहते हैं उज्ज्वल व्यक्तित्व के धनी जो हैं वो कौन है, वो हैं हमारे कौन, हमारे जो CDP के गुरु जी हैं अश्विनी कुमार जी, ये कौन है, ये उज्ज्वल चरित्र के धनी व्यक्तित्व। ये जो हमारे अश्विनी गंगवार जी हैं, देखिए एक शब्द आता है परोपकार, मैं अभी आगे बढ़ता हूँ। ये जो परोपकार है ना, परोपकार, ये परोप पर माने होता है दूसरे का और उपकार माने होता है भलाई करना, यानी कि जो दूसरे के कार्य को बिना कोई स्वार्थ के, यानी कि निस्वार्थ भाव से जो दूसरे के कार्य को करे उसे हम परोपकारी कहते हैं। अश्विनी भाई जो हैं वो ऐसे ही व्यक्ति हैं, उज्ज्वल चरित्र के धनी और परोपकारी हैं। ये जो अश्विनी भाई हैं ये किसी के साथ जब मिलते हैं तो इन्हें ये नहीं दिखाई पड़ता है कि हमारा धन कितना जा रहा है, हमारा समय कितना जा रहा है और हमारी ऊर्जा कितनी जा रही। जब ये किसी से मिलते हैं अगर उस पर किसी भी प्रकार की कोई दुख दर्द दिक्कत परेशानी है, मन में हलचल तनाव कुंठा भूत प्रेत साया है, तो उसको दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे, जी जान लगा देंगे, रुपया से पैसा से शरीर से ऊर्जा से शोर से कुछ भी हो जाए उसके लिए ये करने को तैयार रहेंगे। कि ये जो मेरा मित्र है, ये जो मेरे सहपाठी हैं, ये जो मेरे साथी हैं, ये किसी भी बात के लिए दुखी ना रहें। मैं इस बात को बिल्कुल निस्वार्थ भाव से कह रहा हूँ, मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है और इसका मैं गवाह हूँ, इसका मैं साक्षी हूँ। इस चीज़ को मैंने बहुत अच्छे से फील किया है। अश्विनी भाई मेरे जो साथ जुड़े हुए हैं वो आज से जुड़े हुए नहीं हैं, वो 2017 से जुड़े हुए हैं। 17/4/21 हो जाते हैं, 4 साल में मैंने तो ऐसी जगह पर कहीं नहीं देखा जो अश्विनी भाई ने मेरे लिए कुछ भी एक रत्ती भर भी नुकसान पहुंचाया। हमेशा भाई पैसे की ज़रूरत है, लो भाई शरीर की ज़रूरत है, लो बताओ खून बेचा हूँ तुम्हारे लिए, मतलब कुछ भी करने को तैयार हैं। और ये ऐसा ही नहीं सिर्फ मेरे लिए, किसी के भी व्यक्ति के साथ, और ये प्रकृति का नियम है, विज्ञान का नियम है। तुम जैसे होगे, तुम यानी कि तुम जैसे होगे, तुम्हारा जो मेल होगा वो वैसे से ही होगा। तुमने कभी ऐसा देखा कि जो लोहा है वो किसी और को अट्रैक्ट करता हो चुंबक के बिना? क्यों? क्योंकि जो चुंबक का अच्छाई का गुण है और जो लोहा का अट्रैक्शन है वो क्या है, वो ही तो एक दूसरे को आकर्षित करता है। ठीक ऐसे ही जो गुण है किसका, अश्विनी का, कैसा, यानी कि जो अश्विनी का गुण है वो कैसा आकर्षक वाला गुण है और उनमें अच्छे गुण पाए जाते, तो हमारे जैसे जो लोहावादी लोग हैं वो उसमें जाके समाविष्ट हो जाते हैं, लिप्त हो जाते हैं। और अश्विनी भाई जो है, मैंने तो अभी तक अपने जीवन के इतिहास में अश्विनी भाई जैसा व्यक्ति ना देखा है और ईश्वर ने चाहा ना देखने को मिलेगा। बहुत ही महान आदमी है, लार्ड आदमी है। आज भी उसकी लोग बेईमानी कर लेते हैं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूँ भाई तेरा तो मेहनत पैसा था, तूने उसे क्यों लुटा दी? बोला सब ईश्वर जानता है। तो अश्विनी भाई जो हैं वो बहुत महान आदमी है। अब आगे चलते हैं। देखो कोई भी अगर तुम्हारे साथ में उपकार करे तो उसका अकेले में करो व्याख्यान, उसका दो लोगों में करो, जहाँ भी मौका मिले उसका करो। क्यों? क्योंकि उसने आप पर उपकार किया है और वो उपकार आप पैसे से नहीं खरीद सकते थे। अगर पैसे से खरीद सकते थे तो क्यों नहीं खरीदा, उसकी क्यों ज़रूरत पड़ी? इसका उस अश्विनी भाई का मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है, मैं तो उसे कभी नहीं उतार सकता। ये मैं बात यहाँ से भी कह रहा हूँ और भविष्य में कुछ हुआ आगे तो वहाँ भी कहूँगा, और नहीं हुआ तो क्या, मर थोड़ी जाएंगे, कमा रहे हैं खा रहे हैं मौज ले रहे हैं, किसी से कम तो है नहीं। बस ये है थोड़ा पढ़ाने में इंटरेस्ट तो पढ़ाने आ जाते हैं, ऐसा नहीं है भूखे मर जाएंगे अश्विनी भाई, ऐसा नहीं है। उनके पास बहुतेरा बड़ा सब कुछ है, भाई ने उनके बहुतेरी लंका खड़ी कर दी। चलो कोई नहीं, माइंड मत करना, ये जो बात आ गई इसलिए मैं कह रहा हूँ, उसके लिए सॉरी, मैंने आपका टाइम वेस्ट किया, सॉरी सॉरी सॉरी।